आज मैं आपको एक और नुस्खा देती हूँ सैलून की सेल्स बढ़ाने का। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप के फायदे क्या होते हैं, मेंबरशिप कितने प्रकार की होती है और सैलून में हमें किस तरह की मेंबरशिप देनी चाहिए ताकि पूरे साल हमारा सैलून जो है वो प्रॉफिट में रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेंबरशिप। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है ये फील। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाना, अपने आप को खुश करिए, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको तो बेसिकली मेंबरशिप एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, हमने कस्टमर से एक फिक्स्ड अमाउंट अपने सैलून में ले लेना है। जो भी हमने उससे डिपॉजिट दिया उसके बदले में हम उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप। जब भी आपको मेंबरशिप देनी है तो सोच समझ के देनी है, उन क्लाइंट्स को देनी है जिनसे हमारे सैलून को बेनिफिट होता हो। तो हर कस्टमर को मेंबरशिप ऑफर नहीं करनी होती। तो सबसे ज्यादा मेंबर्स हमारे काम आते हैं हमारे ऑफ सीजन में, क्योंकि रेगुलर सीजन या जब सीजन होता है उसमें तो हमको नए नए कस्टमर वैसे भी मिलते जाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में हमारे मेंबर्स ही हमारे बिजनेस को संभाल के रखते हैं और प्रॉफिट में रखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी है, जो मेंबरशिप होती है ना वो वैलिडिटी के बेस पे काम करती है। वैलिडिटी मतलब उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है कि उस टाइम तक उस मेंबरशिप को अवेल करना ही होता है। यानी कि वैलिडिटी जो है आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ रख सकते हो। क्लाइंट का एक कार्ड इशू करते हैं क्लाइंट को, ठीक है, उसमें हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं, मेंबरशिप नंबर लिखते हैं और वैलिडिटी लिखते हैं, यानी जिस दिन मेंबरशिप को इशू करा गया उसकी डेट लिखते हैं और जिस दिन वो मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है वो वाली डेट लिखते हैं और किस तरह की वो मेंबरशिप है वो चीज उसमें लिखी जाती है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप होती है एनुअल मेंबरशिप। कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके जो पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि हमको एक फिक्स्ड अमाउंट क्लाइंट से ले लेना होता है पहले ही, चाहे आप 500 रुपए लो, 1000 रुपए लो, 1500 रुपए लो, 2000 रुपए लो, कितना भी आप अमाउंट ले लो, एक बार में आपने अमाउंट लिया और उसके बदले आप हर बार क्लाइंट को कोई ना कोई परसेंटेज डिस्काउंट करते हो। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल 500 का आपने कार्ड इशू किया तो, और आपने क्लाइंट को बोला कि हम आपको हमेशा 10% का ऑफ देंगे जब भी आप हमारे सैलून में सर्विस लेने आओगे, जब जब भी आओगे एक साल तक, एक हो गया। ठीक है, सेकेंड अगर आप बोलते हो कि ठीक है हम आपको 1000 रुपए वाला कार्ड बना के दे रहे हैं तो 1000 रुपए आपने उनको 15% का डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, या आपने 2000 रुपए का कार्ड बनाया तो आपने उनको 20% का या 25% का डिस्काउंट कर दिया। ये आपको डिसाइड करना है आपको कितने वाला कार्ड इशू करना है और उस पर कितने परसेंट की का डिस्काउंट फिक्स करना है। सो एक बार में ही फर्स्ट विजिट में ही आप फिक्स्ड अमाउंट ले लोगे और फर्स्ट टाइम में ही आप एक उनका डिस्काउंट जो है वो फिक्स कर दोगे, उनके हर विजिट पे उतना परसेंट डिस्काउंट उनको मिलना ही मिलना है। ये हो गई एनुअल मेंबरशिप, फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ मेंबरशिप है हमारी अमाउंट बेस्ड मेंबरशिप। इस मेंबरशिप में क्या होता है, हम क्लाइंट से एक हेवी अमाउंट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लाइंट से 10,000 रुपीज जो है वो ले लिए और इस मेंबरशिप की जो वैलिडिटी है वो हमने मान लो 6 महीने तक रख दी। तो 10,000 लेने के बाद हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हम आपको इस पे 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे, यानी 10,000 रुपए देने से उनको 15,000 रुपए की सर्विसेज मिलेंगी। ये क्या हुआ, आपने फर्स्ट डे उनसे 10,000 रुपए ले लिए, अब आपको पता है 6 महीने में वो कभी भी आके अपने 10,000 की सर्विसेज तो लेंगे ही लेंगे, साथ में आप ऊपर से उनको 5,000 रुपए की सर्विसेज और दोगे। तो इस तरह से क्लाइंट जो है वो हेवी अमाउंट हमको पहले दिन दे देता है और हमें पता होता है ये 6 महीने तक हमें छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका हेवी अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट है। इसमें आपको कोशिश करनी है अपनी एक्सपेंसिव सर्विसेज को सेल करने की, उनके हर विजिट पे आपको एक्सपेंसिव सर्विसेज जो है वो उनको ऑफर करनी है कि क्लाइंट का अमाउंट जल्दी से जल्दी जो है रिडीम करवा लेना है। जितनी जल्दी आप क्लाइंट के अमाउंट को डिसॉल्व करवा लोगे उतना जल्दी वो अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करेगा। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मेंबरशिप है हमारी सर्विस बेस्ड मेंबरशिप। सर्विस बेस्ड मेंबरशिप मतलब आपने क्लाइंट को एक कार्ड इशू किया, ठीक है,
अमाउंट आप कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक 500 का कार्ड इशू किया और उनको बोला कि इसमें आपको पूरे साल की थ्रेडिंग फ्री है और आपको 3 हेयर कट फ्री है। तो ये जो सर्विसेज है, सर्विस बेस्ड जो मेंबरशिप होती है, इसमें हम ऐसी सर्विसेज को फ्री कर देते हैं पूरे साल के लिए जिसमें हमारी लागत नहीं लगती, बट इनकी वजह से क्लाइंट हमारे सैलून में रीविजिट होता है, बार बार आता है, जिसकी वजह से हम क्रॉस सेल कर सकते हैं। यानी आया तो वो थ्रेडिंग कराने आया, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग के साथ उसको ऑफर कर देंगे कि मैम थ्रेडिंग कराने आए हो, एक D10 पैक ही लगा लो। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी क्रॉस सेल करने की, ताकि थ्रेडिंग तो हमें पता है वो तो फ्री है, लेकिन अगर हमने उनको बोला कि मैम एक D10 पैक करा लो, तो वहां पे हम कमा लेते हैं। या फिर ज्यादातर ये मेंबरशिप का फायदा हमको तब होता है कि 500 देने में जब वो बार बार फ्री में थ्रेडिंग कराने के लिए आते हैं, तो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हमारे सैलून पे, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को हमारा सैलून काफी रिकमेंड कर, अरे तू भी ले लेना 500 रुपए में वहां की मेंबरशिप, पूरे साल थ्रेडिंग भी मिल जाती है, हेयर कट भी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट हो जाता है और मेंबर्स आपको वो लोग जुड़वा देते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ मेंबरशिप है हमारी शॉपिंग मेंबरशिप, ठीक है, ये हमारे उन क्लाइंट्स के लिए होती है जो बहुत ज्यादा रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर मतलब वो हर महीने उनको आना ही आना, चाहे वो थ्रेडिंग के लिए आए, किसी भी चीज के लिए, पर वो आते जरूर है। सो जब उनकी 4 से 5 विजिट हो जाती हैं, तो हम उन्हें कोई ना कोई सरप्राइज दे देते हैं, या तो कोई फ्री सर्विस दे देते हैं, ठीक है, या उनको एकदम से डिस्काउंट दे देते हैं। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब क्लाइंट को अचानक से आप सरप्राइज करते हो और उसको खुशी महसूस होती है, तो वो उस जगह को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ये उस कस्टमर के लिए भी है जो हैवी स्पेंडर होता है, आता तो वो कभी कभी है, बट हैवी सर्विसेज लेके जाता है, तो अचानक से आपने उसको कोई सरप्राइज दे दिया कि नेक्स्ट मंथ मैम आपका ये वाला पैकेज हमने बनाया है आपके लिए फ्री कर रहे हैं, तो वैसे तो कभी कभी आता है, लेकिन आपके ऑफर देने की वजह से अब वो नेक्स्ट मंथ भी आएगा, तो उसका भी एक लालच बन गया कि चलो इस सैलून में जाने का मुझे कुछ तो फायदा होगा। सो आपको एज अ सैलून ओनर ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके सैलून में या तो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनको ये सर्विस देनी है, या ऐसे कस्टमर्स जो ज्यादा स्पेंड करते हैं पर कभी कभी आते हैं। सो ये वाली मेंबरशिप, सरप्राइज मेंबरशिप, उन कस्टमर्स के लिए होती है। अब आते हैं हम अपनी लास्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप, और वो है हमारी अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए, जो हमारे सबसे ज्यादा लॉयल कस्टमर्स है, जो हमारे सैलून पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो हमारी फ्री में मार्केटिंग करते हैं, फ्री में पब्लिसिटी करते हैं। इन लोगों से आप कोई भी एक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम आप अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इनको 100 रुपीज का मेंबर 100 रुपीज का एक मेंबरशिप कार्ड दे दिया, या 200 का दे दिया, या 300 का दे दिया, या 500 का दे दिया, और इन कस्टमर्स के लिए आपने क्या किया कि जब भी आपके सैलून में कोई ट्रेनिंग होती है, डेमोज होते हैं, आप इनको एज अ मॉडल जो है वो बुलाते हो और वो सर्विसेज इन्हीं के ऊपर कराते हो। इससे ये लोग प्रिविलेज महसूस करते हैं, लेकिन आप इनके साथ ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी सर्विस है जो सब कस्टमर्स के लिए काफी महंगी है, बट इनके लिए आपने एक फिक्स अमाउंट कर दिया, मान लो कोई 3,000 रुपए का फेशियल है, इस मेंबर के लिए वो सिर्फ 2,000 रुपए ही होगा। ठीक है, सो आई होप आज इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है कि मेंबरशिप क्या होती है और मेंबरशिप किस तरह से वर्क करती है सैलून में, और किस तरह से हमारे जो सैलून के क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो बंधे रहते हैं हमारे सैलून से। सो बड़े बड़े सैलून बहुत ज्यादा मेंबर्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा मेंबरशिप्स देते हैं। अगर आप भी अपने सैलून में इस तरह की मेंबरशिप्स इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप देखोगे कि आपके सैलून को कितना बेनिफिट होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए, या तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।